भाइयों, क्या आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा कोला व्यापार जो कि झारखंड में है, झारखंड के धनबाद में है और वहाँ पर ठाकुरों का सिक्का चलता है। तो भाइयों, बात दरअसल ये है कि वहाँ स्वर्गीय ठाकुर सूर्यदेव सिंह ने बलिया से जाकर अपने बाहुबल से कोयले का साम्राज्य स्थापित किया था और पूर्वांचल बिहार के हजारों राजपूतों को जहां नौकरी दी और कारोबार स्थापित करने में भी मदद की। सूर्यदेव सिंह के दम पर ही धनबाद में दर्जन राजपूत परिवार कोयले के व्यापार में उतरे और बाहुबल के दम पर अरबों की संपत्ति के मालिक हो गए। तो भाइयों, सूर्यदेव सिंह वो क्षत्रिय थे जो 7 बार बलिया उत्तर प्रदेश से निकलकर झारखंड के जीरी के 7 बार MLA बने। आज भी उनकी प्रतिमा दिखाई देती है। 1990 के दशकों के बाद सूर्यदेव सिंह की मृत्यु के बाद जहां राजपूतों में वर्चस्व की जंग तेज हो गई और अब जहां क्षत्रियों में आपसी गैंगवार से बिहार झारखंड के सबसे संपन्न इलाके धनबाद में राजपूतों का वर्चस्व ढहता जा रहा है। तो भाइयों, जहां राजपूतों के 2 गैंग बन गए हैं, एक सिंघमनेश्वरी और एक रघुकुल। अभी 2017 में एक की मृत्यु भी हुई जिसका नाम था मृतक नीरज सिंह। मृतक नीरज सिंह पूर्व कोयला किंग स्वर्गीय ठाकुर सूर्यदेव सिंह के सगे भतीजे थे, पर सूर्यदेव सिंह के पुत्र और जरिया से बीजेपी विधायक संजीव सिंह से इनकी अनबन चल रही थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धनबाद में कोयला माफियों का राज चलता है, जिसमें अधिकांश क्षत्रिय हैं जिनकी आपसी दुश्मनी रहती है। देश में अवैध रूप से पहले AK-47 जही के ठाकुरों के पास थी, जहां के कम से कम 50 से ज़्यादा क्षत्रिय 5,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की हैसियत के मालिक हैं।